हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि कल हमने समझा कि कैरेक्टर क्या है और कैरेक्टर जो हैं वो कैसे जीन के द्वारा गवर्न होते हैं, जो जीन है वही कैरेक्टर्स को निर्धारित करते हैं। आज हम लोग जानेंगे फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है, होमोजाइगस कंडीशन क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या है, होमोजीनस क्या है और हेट्रोजीनस क्या है। ठीक है, तो वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। देखिए, फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस या मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस, जो किसी भी इंडिविजुअल किसी भी ऑर्गेनिम्स की जो मॉर्फोलॉजी होती है, जो हम बाहर से देखते हैं, जैसे पौधे की अगर बात करें, पौधा लंबा है या बौना है। इसे लीफ की अगर बात करें तो लीफ ग्रीन है या येलोइस है। अगर हम सीड की बात करें तो सीड राउंड है या व्रिंकल्ड है। तो वो सब किस में आएंगे? फिनोटाइप में। वो सब किस में आएंगे? फिनोटाइप में। जैसे हम कहते हैं टाल एंड ड्वार्फ, तो ये फिनोटाइप में आएगा। जीनोटाइप का मतलब क्या है? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल। तो किसी भी इंडिविजुअल का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम क्या कहेंगे? जीनोटाइप। मतलब क्या है इसका? मतलब कि ये टाल जो है, जो हाइट टाल है, इसके लिए उसके पास जो जीन है उनका कॉम्बिनेशन क्या है। जैसे कैपिटल टी जीन है तो इसके दोनों एलील कैपिटल टी हैं या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी हैं। तो ये जो कंडीशन है कैपिटल टी, ये होमोजाइगस कंडीशन है। ये क्या है? होमोजाइगस कंडीशन है। और ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये कैसी कंडीशन है? हेट्रोजाइगस कंडीशन है। होमोजाइगस कंडीशन हम उसको कहते हैं जब किसी एक करेक्टर या अधिक करेक्टर्स के लिए जो एलिल हैं वो सिमिलर हों। जब एलिल जो हैं सिमिलर होंगे तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? होमोजाइगस कंडीशन। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? होमोजाइगस कंडीशन। एंड इंडिविजुअल्स दैट हैज सिमिलर एलिल्स फॉर वन और मोर कैरेक्टर्स, वन और मोर जीन्स इज कॉल्ड होमोजाइगस। ये होमोजाइगस है। जबकि हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या है? कि एन इंडिविजुअल्स दैट हैज डिसिमिलर एलिल्स फॉर वन और मोर कैरेक्टर्स, वन और मोर जीन्स इज कॉल्ड हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस या होमोजाइगस एक कंडीशन है, ये जो है कंडीशन है। जबकि जिस इंडिविजुअल में ये कंडीशन पाई जाएगी उसको हम क्या कहेंगे? होमोजाइगोट, होमोजाइगोट और हेट्रोजाइगोट। ठीक है, हमने होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन को समझ लिया कि होमोजाइगस ऐसी कंडीशन है जिसमें एक या अधिक कैरेक्टर्स के लिए जो एलील हैं वो सिमिलर हों। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? होमोजाइगस कंडीशन। जैसे कि कैपिटल टी कैपिटल भी हो सकता है और स्मॉल टी भी हो सकता है। दूसरा, जैसा कि हम एक टाल पौधा ले लें और उसके सीड येलो हो, एक ड्वार्फ पौधा ले लें उसके सीड ग्रीन हो, तो ये भी क्या है? होमोजाइगस कंडीशन में है। ये क्या है? होमोजाइगस कंडीशन में है। दोनों जीन जो हैं टी और वाई, उसके जो एलील्स हैं वो किस कंडीशन में है? होमोजाइगस कंडीशन में है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? होमोजाइगस कंडीशन। एंड इंडिविजुअल्स दैट हैज सिमिलर एलील्स फॉर वन और मोर जीन्स इज कॉल्ड होमोजाइगोट, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज होमोजाइगस। ठीक है, यही हेट्रोजाइगस कैसे होता? कैपिटल टी स्मॉल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये क्या कैसी कंडीशन हो गई? हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गई। तो एन इंडिविजुअल्स डेट हैज डिसिमिलर एलील फॉर वन
और मोर जीन्स इज कॉल्ड हेट्रोजाइगोट एंड दिस कंडीशन इज नोन एज हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस ये कंडीशन जो कहलाएगी वो हेट्रोजाइगस कहलाएगी, और ये इंडिविजुअल कैसा कहलाएगा, हेट्रोजाइगोट। अभी हमको समझना है होमोजिनस और हेट्रोजिनस। देखिए होमोजिनस और हेट्रोजिनस जो है वो पॉपुलेशन से रिलेटेड होता है, जबकि होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस जो है वो हमने इंडिविजुअल से रिलेटेड पाया। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस जो है ये किसी भी एक इंडिविजुअल से रिलेटेड होते हैं, जबकि ये जो होमोजिनस है ये पॉपुलेशन से रिलेटेड है। होमोजिनस और हेट्रोजिनस जो है वो पॉपुलेशन से रिलेटेड है। अगर एक पॉपुलेशन में सभी इंडिविजुअल्स, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो सभी सेम जीनोटाइप और फिनोटाइप के हैं, सेम जीनोटाइप या फिनोटाइप के हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजिनस पॉपुलेशन बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजिनस पॉपुलेशन बोलेंगे। जैसे एक कोई पॉपुलेशन है उसमें सारे पौधे सेम हाइट के हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजिनस पॉपुलेशन। एक रोज की फील्ड में चले जाएं हम, एक गुलाब की फील्ड में चले जाएं, जब सारे पौधे अगर सेम हाइट के हमको दिखें या सारे पौधे हमको रेड फ्लावर कलर के मिलें तो हम उस पॉपुलेशन को क्या बोलेंगे, होमोजिनस पॉपुलेशन। और अगर दूसरी हम फील्ड में चले जाएं रोज की, वहां पे हमको कुछ पौधे लंबे मिले, कुछ ड्वार्फ मिले, कुछ मीडियम हाइट के मिले और उसमें जो फ्लावर हैं वो अलग अलग कलर के मिले तो वो कैसी पॉपुलेशन होगी, हेट्रोजिनस पॉपुलेशन होगी। वो कैसी पॉपुलेशन होगी, हेट्रोजिनस पॉपुलेशन होगी। तो हम कह सकते हैं कि द पॉपुलेशन डेट हैज जीनोटिपिकली और फिनोटिपिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड होमोजिनस पॉपुलेशन, एंड ए पॉपुलेशन डेट हैज जीनोटिपिकली और फिनोटिपिकली डिससिमिलर इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड हेट्रोजिनस पॉपुलेशन। तो इस प्रकार से हमने फिनोटाइप, जीनोटाइप, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, होमोजिनस, हेट्रोजिनस, इन सारे टर्म्स को समझा। हमने देखा कि फिनोटाइप क्या है, कि मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड जीनोटाइप। होमोजाइगस कंडीशन क्या है, एन इंडिविजुअल दैट हैज सिमिलर एलील्स फॉर वन और मोर जीन्स इज कॉल्ड होमोजाइगोट एंड दिस कंडीशन इज नोन एज होमोजाइगस कंडीशन। जबकि हेट्रोजाइगस क्या है, एन इंडिविजुअल्स डेट हैज डिससिमिलर एलील्स फॉर वन और मोर जीन्स और कैरेक्टर इज कॉल्ड हेट्रोजाइगोट एंड दिस कंडीशन इज नोन एज हेट्रोजाइगस। होमोजिनस क्या है, कि ए पॉपुलेशन डेट हैज जीनोटिपिकली और phenotypically similar individuals is called homogeneous. जबकि heterogeneous क्या है, an population that has genotypically or phenotypically dissimilar individuals is called heterogeneous population. तो इस तरीके से हमने various terms को समझा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं next video में। Thank you very much for listening to me.